हाय गाइस, इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूआरएल, मींस यूआरएल फील्ड के बारे में. सो यूआरएल फील्ड इज यूज्ड टू इंटर ओनली द वेब एड्रेसेस इन देयर करेक्ट फॉर्मेट. इफ द यूआरएल इज नॉट इंटर्ड इन द करेक्ट फॉर्मेट, देन द यूआरएल फील्ड वैलिडेट्स द टेक्स्ट फील्ड टू इंटर द वेब एड्रेसेस. इसका सिंटैक्स है इनपुट टाइप इक्वल, आप लिखते हैं यूआरएल डबल कोट्स के अंदर. इसमें दो एट्रीब्यूट्स खास तौर पर यूज किए जाते हैं. पहला है ऑटो फोकस, इट हेल्प्स इन कीपिंग द फोकस ऑफ माउस पॉइंटर ऑन द इनपुट फील्ड, जिसमें हमें यूआरएल लिखना है. पैटर्न, दूसरा पैटर्न एट्रीब्यूट है. पैटर्न डिफाइंस द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट दैट शुड बी इंटर्ड इन द टेक्स्ट फील्ड. ओके, सो फिलहाल तो हम लोग यूआरएल के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ जो ऑटो फोकस और पैटर्न एट्रीब्यूट इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद. ओके, सो फिलहाल हम देखते हैं यूआरएल, देन ऑटो फोकस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. ओके, लेकिन बताऊंगा जरूर. देखिए, ऑटो फोकस का ऐसा नहीं कि ऑटो फोकस पैटर्न का यूज सब सिर्फ आप यूआरएल में भी कर सकते, इसका यूज टेक्स्ट में भी होता है, ईमेल में भी होता है, टेलीफोन में भी होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी. टेलीफोन शायद अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है. URL में भी होता है और भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जिनके साथ होता है. पहले मैं ये वैल्यूज़ खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ये दोनों एट्रीब्यूट्स भी बता दूंगा, ठीक है. ओके, सो देखते हैं URL का फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग फॉर्म में. ओके, सो इसके लिए सिंपल है, इनपुट लिखिए टाइप इक्वल, आपको लिखना है URL और इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं. इससे पहले हम लोग रन करने से पहले यहाँ लिख देते हैं कि योर वेब साइट नेम और योर वेब एड्रेस, जो भी आप लिख सकते हैं. ओके, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं. अभी यूज़र यहाँ इसको थोड़ा सा जूम करते हैं. ओके, सो अभी यूज़र क्या करेगा, अभी यहाँ यूज़र अपना वेब एड्रेस लिखेगा www.geekysource.com. ओके, इस फॉर्मेट में उसका जो भी होगा HTTP के साथ उसका जो भी URL होगा वह इसको यहाँ लिखना पड़ेगा. अगर इस फॉर्मेट में उसका नहीं होता है तो इसको वैलिडेट नहीं किया जाएगा, यानी कि इसको वैध नहीं माना जाएगा, उसको एक एरर मिल सकता है. ओके, कि यह आपका वैलिड इनपुट नहीं है, आप एक प्रॉपर वेब एड्रेस लिखिए, ठीक है. अभी यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम फॉर्म सबमिट बटन जब हम लोग देखेंगे, जब हम सबमिट करते हैं एक स्क्रिप्ट के थ्रू अपने फॉर्म को सर्वर में सेंड करते हैं, तब वह एरर आपको जनरेट करके देता है कि ये फॉर्मेट आपका सही नहीं है. अभी के लिए बस इतना जाने कि इस तरीके से आप URL का फील्ड क्रिएट करते हैं और आपको इस फॉर्मेट में वहाँ लिखना है. अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तब आपको एक एरर मिल सकता है. ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कि फॉर्म में कैसे हम लोग URL के लिए फील्ड क्रिएट करते हैं. इसमें दो एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने देखा, ऑटो फोकस और पैटर्न, बट उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.